देखिए सर, काफी सारे मैसेज आए थे कि भैया क्या हो गया ऐसा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि धर्मेश्वर राघव के बीच में झगड़ा हो गया, तो दोनों एक साथ एक शो पर नहीं आए, क्योंकि आना दोनों को साथ ही था। तो भैया लीजिए आपके सवाल का जवाब। और जो जो लोग ये बोल देते हैं कि भाई धर्मेश्वर राघव का झगड़ा, आप ये वीडियो यार अंत तक सुन लेना प्लीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जो आपका DID चल रहा है इस वक्त लिटिल चैंप्स, इसकी TRP इतनी अच्छी खासी नहीं आ रही। सैड न्यूज बट ऐसी रियलिटी है, कुछ भी TRP नहीं आ रही है। TRP पता है कब आती है? जब शो पे कोई गेस्ट आता है, जैसे कि रणवीर सिंह आए थे, और कोई भी गेस्ट आया अब तक इतनी ज्यादा TRP नहीं गेन करके गया। अब शो के मेकर्स को समझ में आ गया कि TRP कैसे वसूल करनी है। अब बुलाओ DID के पुराने सितारों को, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग सबसे लॉयल सबसे पक्की है। तो भाई बुलाया गया सलमान यूसुफ खान को, बुलाया गया धर्मेश एलेंडे को, एंड ये आई थी खबर कि आपको DID लिटिल चैंप्स के ऊपर राघव, धर्मेश, शक्ति, पुनीत सब देखने को मिलेंगे। लेकिन आए नहीं सारे लोग, दो लोग आए। उसके बाद लोगों ने बोलना स्टार्ट किया ऐसा 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 हो गया है, आपस में लड़ाई है, इसलिए दोनों को साथ नहीं आया। तो भैया इसका रीजन ये है, अगर सारे के सारे एक ही एपिसोड में आ जाएंगे तो एक एपिसोड की TRP बढ़ेगी। अब दो दो करके पेयर बुलाएंगे तो अब देखिए कितनी ज्यादा TRP बढ़ रही है। एक में दो लोग आ गए, आपकी सलमान यूसुफ आ गए, उसके बाद आ गए आपके आराम से धर्मेश सर। अब अगले एपिसोड में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इससे अगले एपिसोड में कि आपको राघव और शक्ति एक साथ मिले, क्योंकि राघव और शक्ति एक साथ आए तो भाई फन डबल हो जाएगा, मजा डबल हो जाएगा, एंड TRP तो डबल ट्रिपल होनी ही है। और उससे अगले एपिसोड में आपको पुनीत भी दिख सकते हैं, यानी कि भाई शो के मेकर्स ने ना बड़ा तबीयत के साथ खेला है जनता के साथ, क्योंकि एक ही शो में सारे घुस देंगे, एक ही एपिसोड में सारे घुस देंगे तो भैया इतनी TRP आपको मिलेगी नहीं। और सीधी सी बात है, हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो भाई शो थोड़ा उठ जाएगा, क्योंकि शो अभी हालत बड़ी खराब में है, एंड राघव के फैंस तो बावले हैं ही लाइक मी। तो भाई डेफिनेटली जिस दिन राघव आया उस दिन तो TRP जानी ही है। और इस शो के बाद एक और शो अनाउंस कर दिया है जो कि महिलाओं के लिए है, सुपर मॉम्स DID का। तो अब DID सुपर मॉम्स को लेकर भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ के जजेस कौन होंगे, होस्ट कौन होगा, राघव आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना है, ताकि कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज़ आए तो आपसे वंचित ना रहे। बाकी अगर राघव के फैन है तो मारो लाइक, और DID लिटिल चैंप्स का एक भी एपिसोड नहीं देखा तो कमेंट करके बताओ। टू बी फ्रैंक मैंने भी एक दो ही देखे हैं। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।